कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो गाइज, आज का ये व्लॉग अभी स्टार्ट कर रही हूँ। आज है फ्राइडे और मैंने लिया है आज ऑफ, एंड मुझे कहीं पे जाना था तो उस वजह से भी। एंड गाइज, अभी घर में पूरा फैला हुआ है सारी चीजें, तो मैंने सोचा आपको दिखाया जाए कि क्या चल रहा है अभी। और त्रिशा गई है आज स्कूल आफ्टर 15 डेज, उसकी छुट्टियां थी काफी दिनों से, सो आज वो स्कूल गई है। तो अभी सन्नाटा हो रखा है घर में, नाश्ता वगैरह कर लिया है, तो बस सारी सब कुछ ऐसा ही चल रहा है। एंड अभी मैंने रिसेंटली में एक वीडियो भी शेयर किया था, करवा चौथ मेकअप, मैंने अपनी भाभी को फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे वो आई थी, तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके देख लीजिएगा। सो गाइज, ये मेरी लाइट क्योंकि यहाँ पे रखी हुई है अभी, प्लीज इग्नोर करना क्यों, बिकॉज गाइज स्पेस है नहीं यहाँ पे ना, अभी सारा यहाँ पे सब मैस फैला हुआ है, ये देखो आप, सब सामान ऐसे रखा हुआ है तो अभी स्पेस नहीं है। और मैं आज कोई वीडियो भी नहीं बना पाऊंगी क्योंकि अभी आज काम बहुत ज्यादा है। तो ये है मेरा फेस्टिव बैकग्राउंड। एंड गाइज, बहुत ज्यादा सब फैला हुआ है अभी, ऐसे ही हर तरफ फैला हुआ है सामान, एज यू कैन सी सारी चीजें ऐसी है। एंड यहाँ पे भी, एंड गाइज यहाँ पे भी कुछ ऐसा है, अभी सब यहाँ पे भी फैला हुआ है सारी चीजें। गाइज अभी यहाँ पे भी गैलरी में भी ये सारा ऐसे सामान रखा हुआ है, ये भैया का सामान है जो सारा व्हाइट वॉश वगैरह में यूज हो रहा है, अभी ये सारी चीजें ऐसे रखी हुई है। सो गाइज, आपने देखा सारा अभी ऐसे चल रहा है काम घर में। एंड चाहते हैं कि भाई दिवाली से पहले सारी चीजें क्लियर हो जाए, सब सही हो जाए, ताकि आगे की शॉपिंग वगैरह भी जो करनी है दिवाली के लिए वो भी कर सकें, और सारा घर में जो चीजें हैं सजाना एंड ऑल सारी चीजें, डेकोरेशन वगैरह वो भी करनी है, सो सब कुछ टाइमली हो जाए। तो पहले तो है कि व्हाइट वॉश टाइम पे कम्प्लीट हो, तो देखते हैं कैसे होता है क्या होता है। हे गाइज, इट्स अ नेक्स्ट डे और ये व्लॉग मैंने कल स्टार्ट किया था, और बस स्टार्ट ही किया था, सॉरी उसके बाद मैं कुछ शूट ही नहीं कर पाई गाइज, इतना ज्यादा बिजी थी और इतना ज्यादा फैला हुआ था सब सामान, और मैं खुद इतनी ज्यादा हालत खराब हो रखी थी, धूल मिट्टी डस्ट ये सारी चीजें, तो मैं व्लॉग शूट ही नहीं कर पाई कल। बैकग्राउंड नॉइजेस को अवॉइड करना क्योंकि अभी चल रही है फर्श की सफाई, एंड आप सोच रहे हो मैं इतना तैयार होकर घर साफ कर रही हूँ, तो गाइज अभी आज मैंने शूट किया है जैसे तैसे, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस बना के मैंने आज शूट किया है, अभी वो वीडियो आएगा, एडिट करूंगी, अपलोड करना है वो वीडियो भी। सो गाइज, अभी मेकअप वगैरह रिमूव करूंगी, एंड सोच रही हूँ रिमूव अभी करूँ या बाद में करूँ, बिकॉज अभी थोड़ा काम करना है तो एक ही बार अच्छे से वॉश कर लूँगी, बट अभी कवर करना है मुझे सर भी एंड फेस भी कवर करके, तब डस्टिंग का काम करना है। त्रिशा आ गई गाइज। हाय गाइज, कैसे हैं आप? अच्छा। ट्यूशन से आ गए? कैसा लग रहा है सारा फैला हुआ है घर? अच्छा नहीं। अच्छा नहीं। सारा का पेंट मुझे अच्छा लग रहा है, पर मादी का समय था पेंट देख लो। अच्छा, पेंट अच्छा लग रहा है, पेंट अच्छा लग रहा है गाइस इसको, पर लेकिन जो घर पूरा फैला हुआ है ना वो नहीं अच्छा लग रहा है इसको, है ना गाइस? यहाँ पे बहुत मुश्किल हो रहा है मुझे काम करना, सारी चीजें फैली हो रही है, बट मैंने अभी यहाँ पर ही शूट किया है थोड़ा सा, तो बस यही है, अभी चलते हैं करते हैं काम आगे का। रखा है ये देखो, सारे यहाँ पे इसमें निशान पड़े हुए हैं, काफी साफ भी कर दिया बट अभी स्टिल सारे निशान हैं इसमें। सो गाइज, अब डिनर का टाइम हो गया, बहुत देर से काम में लगे हैं, आप मेरे हाथ भी देख सकते हैं एंड काफी ज्यादा ये तो धुल भी गए हैं दो तीन बार, उसके बाद ऐसी हालत है। एंड मैंने मेकअप रिमूव नहीं किया, करूंगी गाइज एक ही बार रिमूव करना है, बाकी मुझे अपना सिस्टम वगैरह अरेंज करना था क्योंकि वो करना जरूरी है, मंडे से फिर काम भी करना है, तो मैं अभी वही सब कर रही थी। एंड डिनर आज खाना बाहर से आया है क्योंकि सब लोग थके हुए हैं, तो खाना आज बनाया नहीं है, तो अब खाने में आई है दाल एंड रोटी। तो बस अभी गाइस थोड़ा अरेंज ही कर रहे हैं, मम्मी भी साथ में लगी हुई है, आपको आवाज़ें भी आ रही होगी, मम्मी यहाँ से सामान समेट रही है अभी, एंड थोड़ा ये रूम अभी यहाँ से खाली हो गया है थोड़ा बहुत, अभी भी यहाँ पे पड़ा हुआ है सामान काफ़ी ज़्यादा, थोड़ा ही हुआ है खाना में। तो गाइज आज जैसा मैंने बताया आपको, आज बाहर से ही आया खाना, दाल एंड रोटियां हैं यहाँ पे इसमें, तो ये रोटी एंड दाल बाहर से आया आज, तो यही डिनर कर रहे हैं सब लोग। सो बस अभी चलते हैं और करते हैं बाकी का काम खत्म, उसके बाद मिलते हैं। गाइज, मेकअप वगैरह सब रिमूव कर लिया है, ड्रेस भी चेंज हो गई है, एंड सारा काम भी फिनिश हो गया है आज का काम, बिकॉज अभी तो काम चल रहा है वाइट वॉश का घर में, तो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, बट अभी का काम फिलहाल कंप्लीट हो गया है, मेरा सेटअप वेटअप भी मेरा जो सिस्टम है वो भी सेट हो गया है। एंड गाइस प्लीज इग्नोर माय हेयर,
अभी मैंने इनको खोला है क्योंकि बहुत टाइम से मैंने इनको बांधा हुआ था चुन्नी वगैरह से, बिकॉज बहुत ज़्यादा डस्ट हो रही थी घर में इसलिए। एंड गाइज कल है संडे, तो मे बी मैं जाऊँ थोड़ा बाहर, हो सकता है मैं कुछ काम के लिए जाऊँ अभी। एंड गाइज अभी बस सब सो गए हैं, मम्मी भी थोड़ा रेस्ट करिए, बहुत ज़्यादा थक गए हैं सारे लोग। सो गाइज अब मैं भी जाऊँगी, रेस्ट करूँगी, सोऊंगी, सुबह मिलते हैं। सो ये व्लॉग मेरा कल से चल रहा है एंड फाइनली मैं इसको कल इस व्लॉग का एंड में कर दूंगी। 3 दिन से चल रहा है गाइस, बिकॉज काम के चक्कर में मैं ज़्यादा व्लॉग कर नहीं पा रही थी, वरना तो ये मैं अभी एंड कर चुकी होती। बट देखते हैं कल कैसा रहता है, तो फिर शेयर करते हैं आगे आपके साथ। और कल होना है किचन में वाइट वॉश, तो सुबह उठ के सारा किचन का सामान वगैरह, खाना बनाने के बाद वो सब भी बाहर निकलना है, उसकी भी सफाई करनी है। सो कल ये सब होने वाला है, तो बस चलते हैं अभी और देखते हैं फिर कल कैसा रहता है। गुड मॉर्निंग गाइज, अभी सुबह उठ गई हूँ एंड नाश्ता भी कर लिया है, बट फेस से नहीं लग रहा होगा, फेस से लग रहा होगा, अभी अभी उठ के आई हूँ, बट नाश्ता कर लिया है। एंड फेस अगर ज़्यादा ऑयली लग रहा है तो गाइज मैंने अभी सनस्क्रीन वगैरह अप्लाई किया है, क्योंकि मैं जा रही हूँ अभी धूप में ऊपर, जो सारे किचन के जो चीज़ें हैं बर्तन वगैरह उनको थोड़ा साफ वगैरह करना है। किचन का काफ़ी सारा जो सामान है वो निकल चुका है, बस गैस वगैरह है जो मम्मी अभी नाश्ता वगैरह बना रही है, काफ़ी सारा सामान जो है वो चला गया है ऊपर। और मम्मी बना रही है नाश्ता, मम्मी ने बनाया पराठा, रोटी भी बनाई है, मम्मी घी लगा रही है। हाय मम, हाय मम्मी। मम्मी गाइस बहुत मम्मी थकी हुई है, मम्मी रात को सो भी नहीं पाई ढंग से। मम्मी ने बनाए आज पराठे, सब्जी बनाई है वैसे आलू गोभी की, मम्मी ने उसका ही पराठे में भरा है, आलू गोभी का पराठा। गाइस बहुत टेस्टी लगता है, कभी ट्राई नहीं किया है तो ट्राई करना जरूर। ये गाइस त्रिशा का रूम है एंड अभी यहाँ पे ये पुट्टी हुई है, आज थोड़ा सा भी रहता है यहाँ पे काम, और यहाँ पे आज व्हाइट वॉश आज हो जाएगा। गाइस अभी किचन में चल रहा है व्हाइट वॉश वगैरह एंड यहाँ पे पुट्टी बन रहा है। सो गाइज मैंने अपना सिस्टम यहाँ पे कवर करके रखा हुआ है ताकि धूल मिट्टी ना लगे, और अभी वैसा सी है। गाइज अभी मैं जा रही हूँ बाहर, मुझे कुछ काम है, तो अभी दिखाऊंगी कहाँ पे जा रही हूँ, बिकॉज गाइज नेक्स्ट वीक ही है दिवाली, फिर टाइम भी नहीं मिलेगा, और बाकी की शॉपिंग करने भी जाना है सबके साथ, मम्मी भाभी, तो दिवाली की शॉपिंग अभी बाकी जो रहती है वो भी करेंगे नेक्स्ट वीक, तो दिवाली तो आने वाली है, तो इसलिए आज ही का दिन है, उसके बाद मुझे टाइम नहीं मिलेगा, तो फिर अभी जा रही हूँ एंड मिलते हैं थोड़ी देर बाद। सो गाइज मैं गई थी थोड़ा बाहर घूमने एंड ये है 0 डिग्री रेस्टोरेंट, अगर आप वेस्ट दिल्ली में रहते हो तो आपको ये एक बार ज़रूर चेकआउट करना चाहिए। अगर आप पिज़्ज़ा बर्गर लवर हो तो आपको यहाँ पे काफ़ी सारी वैरायटी ऑफ पिज़्ज़ास एंड बर्गर्स की मिलेगी। एंड मैंने ये लिया था चिकन विंग्स, काफ़ी ज़्यादा टेस्टी था। उसके बाद गाइज मैं गई थी पैसिफिक मॉल एंड गाइज यहाँ पे एक थीम बनाया हुआ था, ये है रावण वध यहाँ पे दिखाया हुआ था, ये आप देख सकते हो, काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था ये। एंड कुछ ना कुछ थीम हर साल ही बनता है, और डिफरेंट डिफरेंट जो भी फेस्टिवल आते हैं उसके अकॉर्डिंग सब मॉल में यहाँ पे चीज़ें चेंज होती रहती है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था और ये काफ़ी अट्रैक्टिव भी लग रहा था ये वाला पार्ट। सो मैं जाती हूँ हर साल पैसिफिक फेस्टिव टाइम पे। सो गाइज अभी दोपहर के 12:30 बज रहे हैं और रश अभी है पैसिफिक में, उतना तो नहीं है बट काफ़ी ठीक है। यहाँ पे जो ये लॉन्च एरिया है यहाँ पे पैसिफिक का, यहाँ पे आप देख सकते हो ये बैकग्राउंड में ये बनाया हुआ है दशहरा थीम, पीछे रावण वध दिखाया हुआ है। एंड गाइज ग्राउंड फ्लोर के बाद मैं गई थी बेसमेंट में, बेसमेंट में मुझे जाना था स्पार में। स्पार है गाइज काइंड ऑफ जैसे बिग बाज़ार होता है, ऐसे ही होता है, वहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी जो भी घर का सामान होता है उससे रिलेटेड, चाहे वो ग्रोसरी हो, वेजिटेबल्स हो, फ्रूट्स हो, क्लोदिंग, क्रॉकरी, सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। एंड ये आप जब बेसमेंट में ऐसे जाते हो राइट टर्न करोगे तो सामने आपको ये दिखेगा बाटा, बाटा से आप स्ट्रेट जाओगे तो फ्रंट में है मैक्स, मैक्स के राइट हैंड साइड पे ही है स्पार। स्पार में काफ़ी ज़्यादा रश था उस दिन, पूरे मॉल में सबसे ज़्यादा रश स्पार में था, बिकॉज गाइज काफ़ी ज़्यादा गिफ्ट आइटम लोग परचेज करते हैं जिनको अगर देने होते हैं अपने स्टाफ को या फिर अपने रिलेटिव कलीग्स जिनको भी देना होता है, तो बल्क में काफ़ी ज़्यादा लोग परचेज करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो ये हल्दीराम की जो है आइटम्स पे बाय वन गेट वन का ऑफर था, बिकानो की जो आइटम्स थी मिठाई वगैरह उन पर भी बाय वन गेट वन का ऑफर था, यहाँ पे बैग्स
वगैरह पे काफ़ी ज़्यादा अच्छे ऑफ़र थे, इवन ब्लैंकेट्स क्रोकरी आइटम पे भी ऑफ़र थे अच्छे काफ़ी ज़्यादा। एंड ये व्लॉग मैं दिवाली के बाद अपलोड कर रही हूँ, बट गाइज़ आपको मिल जाएंगे काफ़ी अच्छे ऑफ़र, जैसे ऑनलाइन भी आपको आजकल मिलते हैं वीकेंड्स पे, या फिर नॉर्मली भी आपको अच्छे ऑफ़र मिलते हैं, सेम ऐसे ही आपको स्पार में वीकेंड्स पे भी अच्छे ऑफ़र मिलते हैं। एंड थोड़ा लेट हो गया है मुझे ये व्लॉग अपलोड करने में, बिकॉज गाइज़ जैसे मैंने आपको दिखाया घर में काफ़ी ज़्यादा काम चल रहा था और मैं वर्किंग भी हूँ, तो मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था एडिट करने का व्लॉग, सो सॉरी फॉर दैट गाइज। मैं आ गई थी बाहर से, यार आपको पता है मैं गई थी पैसिफिक मॉल, एंड पीछे आवाज आ रही होगी आपको पानी एंड बर्तनों की, भाभी बर्तन धो रही है इसीलिए। एंड गाइज नहीं आएगी, गाइज कह रही है अब नहीं आएगी अब धुल गए बर्तन। सो गाइज काफी ज्यादा थक गए हैं सारे लोग, मम्मी भाभी, मैं तो आज बाहर भी गई थी सुबह, थोड़ा काम करवा के गई थी किचन का जो भी है, और मेरी आवाज अगर गूंज रही होगी तो गाइज अभी किचन जो है वो खाली है, ज़्यादा सामान अभी यहाँ पे नहीं रखा हुआ है, कल इसको सेट करेंगे, बट क्योंकि अभी टाइल्स वगैरह सब साफ करनी है और अभी गीला भी है जो सारा पेंट हुआ है वो। एंड आज डिनर भी नहीं बना था, कल भी हम डिनर बाहर से ही लाए थे, और आज मैं गई थी बाहर तो आज मैं लेके आई थी आलू की सब्जी एंड कचौरी वगैरह। एंड त्रिशा आई है, कुछ कहना है हम सारे इतना बिजी है लाई थी उसमें हम इतने खाली हम बहुत अच्छी लगी है बोल तो ये कह रही है मैंने आज मैं थोड़ी सी कचौरी खाई थी इसमें। आज मेरी फेवरेट चीज आ रही है उसका नाम है भूलभुलैया नंबर 2 मूवी है, भूलभुलैया की बहुत भूलभुलैया मांजली था पता नहीं है क्या नहीं पता है, और वो जो भैया थे ना वो होश में नहीं होते तो इसलिए उनका पता होता है कि डेथ होने के लिए सबसे पहले त्रिशूल ने खा लो। बाय गाइस, टाटा, गुड नाइट। तो गाइस इस व्लॉग का एंड मैं यहीं पे करूंगी, चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी स्टे सेफ, बाय।